हेलो एवरीवन स्वागत है आपका थर्ड एपिसोड ऑफ परसेंटेज में जिसमें हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप जो है वो डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सक्सेसिव चेंज ठीक है बेसिकली सक्सेसिव चेंज का मतलब क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ की पोटैटो uh, है ना जो पोटैटो है इसका प्राइस जो इनिशियल प्राइस है वो हम हंड्रेड ले लेते हैं ठीक है सपोज uh, इसका जो प्राइस है वो बीस बढ़ गया ठीक है बीस बढ़ गया मतलब एक हो जाएगा राइट बीस परसेंट सौ का बीस होता है अब एक सौ बीस हो जाएगा ठीक है फिर से बीस परसेंट बढ़ गया अब जो बीस परसेंट बढ़ा वो एक सौ बीस का बड़ा ना कि, तो कि सौ right? तो का जो बीस परसेंट है ट्वेंटी फोर होता, होता है ठीक है मतलब अब प्राइस कितना हो जाएगा वन फोर्टी फोर तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं सक्सेसिव चेंज सक्सेसिव मतलब जो चेंज हुआ उस पर फिर से जो चेंज आया तो उस उसका जो नाम है वो है सक्सेसिव चेंज तो चलिए इसके सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेसिकली हम ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं बट इसमें क्या है कि ये सिर्फ दो के लिए यूज होता है ए एंड बी के लिए ओके okay? और अगर हमारे पास तीन चेंज आ रहे हैं चार चेंज आ रहे हैं पांच आ रहे हैं तो उसमें फिर ये फॉर्मूला फेल हो जाता है ठीक है और अगर इंक्रीज हो रहा है उसके लिए आप पॉजिटिव साइन लेते हो अगर डिक्रीज हो रहा है उसके लिए हम नेगेटिव साइन लेते हैं ठीक है आइए क्वेश्चन देखते हैं जैसे ये क्वेश्चन है

ठीक बीस परसेंट सौ का कितना होता है बीस मतलब ये ये हो हो गया गया अब अब okay? ओके उसके बाद डिक्रीज डिक्रीज ठीक है अब जो जो 10 हुआ वह, 120 का हुआ है है जो हुआ हुआ का का ना तो 120 का 10 कितना होता है? 12, किसी भी नंबर का हम दस परसेंट कैसे निकालते हैं उसको टेन से डिवाइड करके ठीक है क्योंकि दस परसेंट जब आप खोलते हो देन इट इज वन बाय टेन तो ट्वेल्व डिक्रीज हुआ मतलब ये अब कितना हो गया दिस इज वन जीरो ठीक है तो नेट चेंज का मतलब है कि इनिशियल से आपने फाइनल को कंपेयर करना है तो पहले हंड्रेड था अब वन जीरो इंक्रीज हुआ Overall कितना increase हुआ ओवरऑल कितना इंक्रीज इंक्रीज सो ऑप्शन ए हमारा जो है वो राइट right आंसर आ जाएगा ठीक है तो ये इसका पहला तरीका है करने का देखो एक और तरीके से मैं आप उसको बता देती हूँ ये एक बार अब कर देते हैं सेकेंड तरीका देखो क्या है करने का इसी क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन को जो स्टार्टिंग में उसको हंड्रेड ही प्राइस लोगे ना जैसे हमने पिछले में लिया देखो स्टार्टिंग में कोई भी नंबर जो है वो सौ परसेंट होता है ठीक है अगर आप बीस परसेंट और बढ़ा देते हो ठीक है तो सौ प्लस बीस अब ये कितना हो जाएगा एक सौ बीस परसेंट हो जाएगा है तो आप इसको एक सौ बीस परसेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे मल्टीप्लाई ठीक है अब ये वैल्यू है उस नंबर की उसके बाद दस डिक्रीज कर दिया ठीक है देखो सौ परसेंट था नंबर अब उसने आप, उस, आपने आप उसको दस परसेंट डिक्रीज कर दिया मतलब अब ये अपना कितना हो जाएगा नाइन्टी परसेंट है ना सौ माइनस दस कितना होता है नाइंटी uh, ठीक है तो जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए आप ओके okay? आप इस क्या बचा ट्वेल्व इंटू नाइन ट्वेल्व इंटू नाइन कितना होता है वन जीरो एट ठीक है और लास्ट में कंपेयर भी करना था सौ था पहले उसके बाद वन जीरो एट हो गया इसका मतलब एट परसेंट इंक्रीज ठीक है तो ये सेकंड तरीका है सो so मोस्टली मैं इस तरीके को यूज करती हूं आपको जो बढ़िया लगता है आप उसको यूज कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे राइट डिमांड कार वेंट डाउन बाय ट्वेंटी फाइव परसेंट इन टू थाउजेंड सिक्सटीन एंड ट्वेंटी परसेंट इन टू थाउजेंड वेंट डाउन मतलब नीचे गिर गई ठीक है तो अगर हम इसको सेकेंड अप्रोच से करें तो हंड्रेड ले सकते हैं ओरिजिनली ठीक है 2016 में कितना इसकी डिमांड कितने परसेंटेज कम हुई 25 परसेंट कम हुई है ना तो जैसे मैंने आपको बताया इनिशियली में 100 परसेंट आप उसको ले सकते हो अगर 25 परसेंट कम हुई मतलब 75 फाइव परसेंट रह गई तो इसको फाइव परसेंट तो अब ये डिमांड है ये भी अगले साल 20 परसेंट और कम हो गई ठीक है तो सौ में से बीस जो है कम कर दीजिए अब कितनी बचिए अस्सी परसेंट ठीक है इस तरीके से हंड्रेड से हंड्रेड कैंसिल हो जाएगा ठीक है इसको कैंसिल कर सकते हो आप

एंड ब्रेथ उसकी कम हो रही है थर्टी परसेंट तो एरिया में क्या चेंज आएगा ओके okay? तो स्टार्टिंग वाला एरिया हंड्रेड मान लो ओके okay? अगर लेंथ बढ़ रही है बीस परसेंट तो एरिया भी बीस परसेंट बढ़ेगा मतलब कितना हो जाएगा एक सौ बीस परसेंट ठीक है अगर ब्रेथ डिक्रीज हो रही है थर्टी परसेंट तो एरिया भी डिक्रीज होगा कितना थर्टी परसेंट तो कितना बचेगा एरिया सेवेंटी परसेंट ओके हंड्रेड से हंड्रेड कैंसिल हो जाएगा जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा ट्वेल्व इंटू सेवन कितना होता है एटी फोर ठीक है देखो हंड्रेड का पहले अब एटी फोर हो गया मतलब कितना डिक्रीज हुआ सिक्सटीन परसेंट ओके ठीक है इसमें स्टार्टिंग वैल्यू आप हंड्रेड ले रहे हो इसलिए डायरेक्ट जो सिक्सटीन आ रहा है वो सिक्सटीन परसेंट कहलाएगा आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन पे ठीक है ये क्वेश्चन देखो अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय फिफ्टीन परसेंट एंड देन डिक्रीज बाय ट्वेंटी परसेंट अब देखो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू आपको बतानी है न? मतलब यहाँ पे आप हंड्रेड की बजाय हंड्रेड एक्स ले सकते हो ठीक ठीक है है तो तो मैं उसको क्या ले लिया? 100X ले लिया लिया तो पहले ये कितना increase हुआ 15 increase हुआ मतलब 115 हो जाएगा ठीक है उसके बाद ये 20 decrease हुआ 20 decrease हुआ एट्टी मतलब परसेंट हो जाएगा ठीक है ओके द नंबर सो ऑपटे फोर लेस देन ओरिजिनल नंबर ठीक है जो नंबर मेरे पास आया वो 64 कम है ओरिजिनल नंबर से देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देते हैं ठीक है ये फाइव और ये कैंसिल हो ट्वेंटी थ्री पे ट्वेंटी थ्री इंटू फोर ये अब देखो ओरिजिनल नंबर क्या था हंड्रेड एक्स स्टार्टिंग में जो नंबर था वो था हंड्रेड एक्स हमने माना था ठीक है और सब कुछ करके जो नंबर मेरे पास आया वो कितना आया नाइनटी सिक्स एक्स आया देखो ये नाइनटी सिक्स जो नंबर है ये ओरिजिनल नंबर से कितना कम है फोर एक्स ठीक है ना और एक्चुअल भी ये कितना कम है 64 मतलब इन दोनों को बराबर करके x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं राइट सो इफ फोर एक्स इज इक्वल टू सिक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 फोर बायर जो कितना होता है 16 so x मेरा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा ओके okay? हमसे क्या पूछा है वट इज द ओरिजिनल नंबर ठीक है ओरिजिनल नंबर जो है uh, वो हमसे पूछा है तो वो कितना आ जाएगा ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल नंबर मेरे पास कितना था

64 जो है वो कम कर ना, थर्टी सिक्स सो दिस इज द वे तो ये हमने क्वेश्चन किए सक्सेसिव चेंज वाले ठीक है सो आई होप दिस एपिसोड इज क्लियर टू यू मिलते हैं अगले एपिसोड में कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो थैंक यू ऑल